नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि लौंग से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर मित्रों, ध्यान रहे, मांस वगैरह का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो चलिए मित्रों, अब आ जाते हैं विधि के ऊपर। बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही अनोखी विधि है। इस विधि के करने मात्र से आपका बिछड़ा हुआ प्रेम, धोखा देके जाने वाला प्रेम वापस आपके पास आपके जीवन में आएगा और हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। तो इसके पूरी तरीके से इसको देखें, इसकी वीडियो को बिल्कुल भी ना करें, अच्छी तरीके से देखिएगा। जितना अच्छी आप विधि करेंगे उतना ही अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। अब आ जाते हैं मित्रों विधि के ऊपर। तो विधि में हमें सबसे पहले विधि का समय जान लेना चाहिए कि ये विधि किस दिन होगी, किस वार को होगी। तो यह विधि कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वार को आप कर सकते हैं, किसी भी वार किसी भी दिन आप ये विधि प्रारंभ कर सकते हैं। शुरू करने का समय होगा सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का, यानी ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो इसे प्रारंभ करने का समय होगा। यानी किसी भी वार ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपको ये विधि प्रारंभ करनी होगी। सामग्री के रूप में आपको मित्रों लेनी है लौंग। जी हाँ मित्रों, खंडित लौंग नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी साबुत लौंग होनी जरूरी है। सामग्री के रूप में आपको लौंग लेनी है। लौंग का आपको 4 लौंग लेनी होगी मित्रों। साबुत साबुत अच्छी लौंग आप चुन लीजिएगा और चार चार लौंग आप लेंगे। 4 लौंग के साथ आपको ये विधि करनी होगी। कुछ इस प्रकार से आपको 4 लौंग ले लेनी है। 4 लौंग लेके इसे आपको अपने सीधे हाथ में ले लेना है। सुबह 4 से 6 के बीच में आसन बिछाकर बैठ जाइएगा और अच्छी तरीके से इस विधि को कीजिएगा। सीधे हाथ में लौंग को लेके सीधे हाथ की मुट्ठी बंद कर लेंगे और मुट्ठी बंद करके आपको अंतर ध्यान करना है सामने वाले व्यक्ति का जिसका वशीकरण करने जा रहे हैं। उस व्यक्ति का अंतर ध्यान करेंगे इतना स्पष्ट कि आपको यह एहसास हो कि वो आपके आसपास ही है और आपको विधि करने में सहायता कर रहा है। तो अच्छी तरीके से आपको उसका अंतर ध्यान करना है और अंतर ध्यान करते हुए, उसका व्यक्ति का अंतर ध्यान करते हुए आपको मंत्र बोलना है। मित्रों मैं मंत्र बोल देता हूं, आप ध्यान से मंत्र को सुनिएगा। मंत्र है ओम सामने वाले का नाम वशीभूतम स्वाहा। ओम सामने वाले का नाम वशीभूतम स्वाहा। ओम सामने वाले का नाम वशीभूतम स्वाहा। नाम की जगह आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसका आपने वशीकरण करना है। जब आप इसे अभिमंत्रित कर लें, 551 बार आपको अभिमंत्रित करना होगा मित्रों। काउंटिंग काफी ज्यादा है, अच्छी तरीके से आप कीजिएगा। कुछ समय लगेगा पर आप अच्छे से एकांत में बैठकर करेंगे तो ये जरूर हो जाएगा। 551 बार अभिमंत्रित करने के बाद आपको इसे अपनी जेब में रख लेना, अपनी पॉकेट में रख लेना है। किसी कागज में लपेट के भी रख सकते हैं और सीधा भी रख सकते हैं। फिर ये पूरे दिन आपके साथ रहेगा, ये पूरे दिन आपके शरीर के टच रहेगा, आपके अंग के टच में रहेगा, जिससे कि ये आपको अपनी शक्तियां दे पाए और इस वशीकरण को अंजाम दे पाए। पूरे दिन जब आप ये अपने पास रखेंगे उसके बाद आएगा सूर्यास्त के बाद का कार्य। जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, किसी ऐसी सुनसान जगह पे जाना है जहां पे कोई ना आता जाता हो, ना व्यक्तित्व हो, ना किसी जीवन का अंश हो। वहां पे जाके यानी बड़े बड़े ग्राउंड पे आप जा सकते हैं, हाईवे के किनारे जा सकते हैं जहां पे लोग ज्यादातर ना रहे। वहां पे जाकर आपको चारों लौंग को अलग अलग दिशाओं में फेंकना है। चारों लौंग अलग अलग दिशाओं में आप फेंक देंगे, दूर दूर, जितना दूर आप फेंक सकते हैं उतना दूर आप लौंग को चारों अलग अलग दिशाओं में फेंक देंगे। ये आपको इसलिए करना है कि ये जो शक्तियां हैं ये चारों दिशाओं से असर करेगी और उस व्यक्ति के आसपास एक ऐसा आवरण बनाएगी चारों तरफ से कि वो पूरी तरीके से आपकी तरफ खींचा चलाएगा। तो कुछ इस प्रकार से चारों दिशाओं की तरफ आपको फेंक देना है और हर दिशा में फेंकने के बाद आपको मन ही मन में बोलना है वशीकरणम नमः। एक लौंग फेंक दिया, दूसरी लौंग फेंकी बोला वशीकरण नमः, तीसरी लौंग फेंकी बोला वशीकरण नमः और चौथी लौंग फेंकी बोला वशीकरण नमः। हर लौंग के साथ आपको ये बोलना है। चारों दिशाओं में लौंग फेंकने के बाद सीधा अपने घर आइएगा, घर आकर हाथ मुंह धोकर अपने काम में लग जाइएगा, आपकी विधि वहीं पे ही समाप्त हो जाएगी। अगले दिन से आप ये देखेंगे कि वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपके प्रेम में हो चुका होगा, उसके ऊपर आपके प्रेम का आवरण इतना हावी हो जाएगा कि वो खींचा चलाएगा आपके पास, उसका मन आपके लिए विचलित हो उठेगा। और अगर आपके पति या आपकी पत्नी अगर आपको छोड़ चुके हैं या आपके रिश्ते में दरार आ चुकी है तो आप ये विधि कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं रिश्ता पहले से भी बेहतर हो जाएगा। आप ये विधि कीजिए, माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों एक बात और बताते चले कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर काला जादू होता है या उसके ऊपर पहले से कुछ किया कराया होता है तो उसके ऊपर ये विधि असर नहीं करती। तो अगर आपको ऐसा लगता है
तो आप हमें मेरे संपर्क करें, आपको बताया जाएगा काला जादू है या नहीं है और उसका उचित परिणाम आपको बताया जाएगा और उसका उचित रास्ता भी आपको दिया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ मित्रों, जय माता दी। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।